What? दरख्तों के अंदर वो उधर उधर इतना खतरनाक ये गेम करेगा कि मैं आपको बोल नहीं सकता। अच्छा, मतलब और डेंजरस होगा ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद क्या था आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर से। मैं होस्ट ज़ैन बलोच, प्रोग्राम वो क्या राज है। मैं आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं और आप सबका तहे दिल से मशकूर है। जिस तरह आप हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, इसी प्यार को आपने बरकरार रखना है। तो दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है कि यकीन करें जिस तरह की बातें हुई है। नहीं बाबा, क्या कहते हैं ये लोग, दरख्तों के साथ क्या मसला है? तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो सब दरख्तों के आदमी ने काटा, उसका पाँव आज टेढ़े हो रहे हैं और उनको यहाँ तक कि हॉस्पिटल वगैरह ले गए। तो मुल्ला के पास ले गया, तो मुल्ला आके पढ़ाई करता, तो मुल्ला का भी ऐसे हो रहा है। हाँ जी। और डॉक्टर के पास ले जा रहा है, वो बोल रहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आया, फॉलिज लगता है उनको। हाँ, वो कह रहे हैं हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। हाँ ना, तो इसका समझ में लोगों का नहीं आ रहा था ना। जी जी। तो तीन चार बंदे पहले भी ऐसे हो गया। हाँ जी। आज दो दिन हो रहा है कि आज फिर से कह रहे एक बंदे ने दरख्त को काटा है। अच्छा, इसके साथ फिर से ये मसला हुआ है। वही मसला हो गया, फिर इसको भी ले गया डॉक्टर के पास भी ले गया, मुल्ला के पास भी ले गया। अच्छा। तो डॉक्टर ने इसे बोला कि डॉक्टर को कि भाई इसको फॉलिज हो गया है। हाँ जी। लेकिन वो उसने कह ले चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, बोला भाई इसको बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो रही बाबा की आपने बातें सुनी कि यहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं कि दरख्त कोई काटता है तो उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनको ये शक होता है कि उनको फॉलिज हो गया, ले जाते हैं हॉस्पिटल, ब्लड प्रेशर वगैरह जितने भी ज़्यादा बात है, फॉलिज वाले का जो है वो ब्लड प्रेशर आई होता है, तो इस तरह के मसले मसाइल उनके साथ है। बहरहाल, अभी हम उस तरफ जाते हैं जहाँ पर लोगों के साथ ये हुआ है दरख्त काट के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लोग हैं अपने बसर गुजर आग के बगैर क्या कर सकते हैं। तो इनको आग का जरूरत पड़ता है। हाँ जी। तो हम आपको ले जाते हैं यहाँ से, वो दरख्त वगैरह शुरू हो जाते हैं यहाँ पे मसले मसाइल। तो जिन लोगों के साथ ये मसले मसाइल हुए, उन्होंने हाथ बांध के रिक्वेस्ट किए रही बाबा से कि भाई आप कोई दम कर ले या उदा कर ले, ठीक है, कुछ कर ले ताकि हम इस तरह में ख्वार ना होना पड़े। तो वो कहते हैं इसके अलावा लकड़ियाँ बहुत दूर है और हम वहाँ जा भी नहीं सकते हैं। अरे बाबा, कहाँ पर है? हाँ, चल आ जा, ये वाला जगह है, यहाँ पे भी काटे गए हैं। नजदीक आ जाओ रही बाबा, ताजा कटाई है। ना, ये सूखे भी नहीं है ना? नहीं सूखे बिल्कुल। अच्छा, तो ये काट के उनके साथ ये होता है कि उनको हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। अगर मुल्ला के पास ले जाए तो मुल्ला का भी ऐसे हो रहा है। नहीं नहीं बाबा, एक और बात है आपसे, ये होता क्यों है? ये कहना है अभी ऐसे जिनात में भी है। हाँ जी। कोई मना दरख्त के ऊपर भी नहीं, वो काटने के लिए नहीं छोड़ती है। अच्छा, यानी कि अभी पता एक दरख्त के साथ मसले नहीं है, वो कहते हर दरख्त के साथ होगा। तो बस ये नहीं गुस्सा, क्योंकि अभी देखे ना। हाँ जी। अभी या एक मुलाजिम है कि भाई आपका कहना इधर से लेकर वो उधर तक आपका ड्यूटी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को जो लकड़ियाँ काटते हैं उनके हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। और बाबा, सिर्फ एक दरख्त या अलग अलग दरख्तों से? नहीं नहीं, एक अभी तो देख रहे हैं, अभी ये भी है वो, यानी कि एक दरख्त नहीं है, मतलब कोई भी दरख्त हो तो काटेगा, बस वही हुआ। अच्छा, फिर तो वही मसला होगा, क्योंकि इसने फिर
ये जगह आपने अंडर किया होगा, ये देखिए यहाँ पे तो किसी ने कटाई नहीं की, लेकिन उस तरफ कटाई है। ये भी हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे भी काटा गया है, ये भी काटा गया है। हाँ ये देखो, यानी कि यहाँ से भी काट कूट किया गया है। यार परिंदे का आवाज लग रहा था, परिंदे का आवाज लग रहा था। रिंग तो ये जगह है दोस्तों, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम मामला देखेंगे। और खसूसी रिंग बाबा से ये रिक्वेस्ट किया गया कि भाई इस चीज को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काटा गया है। जान के पास यार घर की जरूरत होगी तभी जाके काटा होगा। ये देखिए यहाँ पे भी कटाई की गई भाई, अभी क्या है सर्दी है, सर्दी के लिए तो अपना लिए के बंदोबस्त करेगा, नहीं तो जल्दी काटेगा ना। ये तो है जहर की बात है, उनका बसर गुजर खाना पकाने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये लास्ट ये दरख्त है, इसके बाद मसला हुआ लोगों के साथ। मेरा ये है ना ताज़ा चाहिए कटा हुआ है, लास्ट ये दरख्त काटा गया, उसके बाद लोगों को मसला हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा सन ये भाई सर 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 यार ये देख, ये देख, ये देख सर पे, सर पे सेट पे जो रिंग हुई गए 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 ये भाई घसीटता हुआ यार ये गया, कहाँ ले जाया गया देखो। हाँ ये कैसे हो रहे हैं, बहुत स्पीड में जा रहा था, देख रहे हैं। अंदर की तरफ देख, कोई जानवर तो नहीं था आगे? नहीं यार कैमरे में रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं था, जा रहा था कैमरे में बकायदा रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं था। जैसे चल चल गया ना खुद। हाँ ये अच्छा हुआ हम लोग नहीं लगा, ये देखो सारे कांटा है, सारे कांटे हैं, कांटे से भरा हुआ है। भाई मेरे को और बात है, मुझे लगता है दरख्तों के अंदर वो मखलूकात मौजूद है, तभी जाके इस तरह हो रहा है ना। आपको याद है एक हमने शो किया था बागनाड़ी में, इस तरह कोई जगह था, वो भी वो घर के अंदर था, घर के अंदर वो भी थे, वो काटने के बाद इस तरह के मामले आते। लेकिन उसका कहना है एक ही जगह था, फिर तो उसको उधर ही खड़ा किया। हाँ, हाँ, वो वही खड़ा करके वो उन लोगों ने वही शो देख के हमें बुलाया ना कि आप ये मसला हल कर दे। वो घर भी अभी आजाद हो गया। हाँ जी बाकायदा, फिर बाद में तो शिकायत नहीं किया, नहीं किया, वो क्लियर हो गया। अब आपके सामने है जो चीज़ अभी यहाँ से चली है और चली भी इस तरह दरख्त के अंदर, रास्ते के अंदर भी नहीं है। देखो ये कहाँ से आ गए यार, ये कहाँ से आ गया, कसिटता हुआ पता नहीं किधर से है, दरख्त के अंदर ही गई है। इसीलिए मैंने कहा मुझे शक शुबा हुआ कि कोई जानवर वगैरह, लेकिन जानवर का इस तरह की हरकतें तो नहीं हो सकता ना। लेकिन एक बात है, हम लोग रास्ते में थे। हाँ हम लोग रास्ते में थे, ये अचानक आ गया बहुत स्पीड से। नहीं उसका मैं कह रहा हूँ ये रास्ते में क्यों नहीं गया दोबारा, ये गया भी दरख्त के अंदर गया, ये समझ में नहीं आया। ओए होए होए इस तरह के मामला अभी हमें नज़र आ रहा है, ये तो शुरुआत है, अभी शुरू में इस तरह के मामला हुए। अब लोग जो काटने वाले हैं उनका क्या हाल होगा। बाबा आप भी अपना कोई हिसाब किताब का अमल शुरू कर दें, ताकि इन बेचारों का जो तो मैं देखूँगा कि क्या है मसला, कैसे देख रहे हैं अभी उनको सामने से, सामने सामने से गया, सामने सामने से बिल्कुल कैसे हरकतें कर रहे हैं लोग, उनको तो हिसाब देखना पड़ेगा ना।
कैसे हो यार ये? अनबिलीवेबल। रहीम रहीम अपना अमल करे, रिकॉर्ड हुआ है ना यार, कैमरे में रिकॉर्ड मेरे साथ था यार। सामने यहाँ से उठा यार, यहाँ से था पहले इला, ऐसा लगा कि इसमें जान आ गया। हाँ इसी तरह बिल्कुल, फिर गया। हाँ पहले उठा ना, हाँ पहले ऐसा लगा उठा यार, फिर गया। दरख्त चल रहे क्या यार, लग तो ऐसे रहे। हाँ यार रहे ऐसे ही यहाँ पे। इधर के जिन्नात हैं जी जी, ये जिन्नात इस वजह से कि नहीं अभी हरकत में आ गया है। हाँ जी, कि एक बंदे ने एक दरख्त को काटा है। हाँ जी, उसी दरख्त के से फार से है ना। हाँ जी, जिधर वो या मतलब ब्लेड में काटा है कि या कुहाड़े में काटा है, उधर इसका कहे ना घर था और इसका बच्चे का कहना गले से भी आ गया है। वो अच्छा। बच्चे को भी मारा है, अभी उसके बाद कहने लोग कहना अभी किसी को भी नहीं छोड़ रहा। अच्छा, वो तो एक दरख्त में, बाकी दरख्तों के साथ क्या मसला है? अभी अभी तो अपना लग नहीं छोड़ेगा ना, देखे ना उसका तो। अच्छा, अभी रहीम आप अमल कर रहे थे, यहाँ पे एक ऐसा चीज हुआ है ना, ये देख इधर आओ इधर आओ, आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा लगा, पहला उठा है ठीक है, खड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद चलने लगा, ये समझ नहीं आ रहा कि कैसा हो रहा है ये सब। ये तो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे खड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ है बकायदा। अगर आप कहते हो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, मैंने जरूर को बोला कि आप पिस्टल अपना कैमरा उसके ऊपर फोकस करो, जिस तरह ये उठा है ऊपर और इस तरह जैसा चला है कोई चीज़, हालांकि कटा हुआ चीज़ है और ये ज़ाहिर सी बात इस तरह की चीज़ तो चल तो नहीं सकते। बहरहाल इस बात से साबित होता है कि मखलूकात इन दरख्तों के अंदर मौजूद है। रहीम हाँ तो यही ना, बिल्कुल है, हालांकि जो हालांकि कटा हुआ है उसके बावजूद भी इनके अंदर मौजूद है और वो अपने आप को जाहिर इस तरह कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक घर है इस लोगों का, यही तो बात है ना रहीम बाबा। अभी तो हमारे सामने जिस तरह की चीज़ हुआ, यकीन करें अभी मैं कहता हूँ उस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए। नहीं बाबा, थोड़ा इनके साथ हम बात भी करें, क्या पता हमारे साथ बातचीत करें। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगा। हाँ पढ़ाई करो, मैं इनके साथ बात करूँ, मैं बात करूँ, मैं बात करता हूँ इनके साथ। चलो देखते आगे। हमें पता है आप यहाँ भी मौजूद है और हमें ये भी पता है कि लोगों ने गलती की है और उनकी गलतियों की सज़ा आप उस तरह ना दें उनको, वो नहीं आएंगे यहाँ पर। हमें पता है आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करने के लिए आए हैं, आपको राज़ी करने के लिए आए हैं यहाँ पर। उनसे बड़ा गलती हुआ है, पीछे 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 आवाज़ आया। वो भी क्या हुआ, वो भी मजबूर है
जंगल घूम रहे इधर के सर ना वाकई में ये मखलूक दरख्तों के अंदर है हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। उनसे गलती हो गई है, वो भी मजबूर है, वो कहां जाएं? क्या क्या हमें समझ नहीं आया, क्या बोला? जबान कोई सुना आवाज? औरत कोई आवाज नहीं था? वो दरख्त लाए, वो दरख्त। हाँ वो देख, ब्रेक ब्रेक रोटर करो धुआं निकला धुआं निकला यार, पीछे जा, पीछे यार, रिकॉर्ड था, धुआं निकला, वो देख फिर से जा रहे धुआं। हाँ रिम, क्या है ये धुआं? रिम ये चला भी हमारे सामने है, बात करने की कोशिश भी करे, अगर वो क्यों रहा है इस तरह? नहीं यही बात है ना, ये हर चीज में घुस चुके हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये अब गुस्से में आ गए ये मखलूकात मेरा, इसीलिए तो आपको बुलाया गया रिम। क्या चाहिए आपको? उनको आपने उनको वो सजा दे दी जिनको सजा देना था आपको, वो बहुत बीमार है। अब बस कर ले, जितना हो चुका है बस कर ले, उनको माफ कर दे, उनसे गलती सरजद हो गया है। आप एक किनारे की तरफ जाए, एक तरफ जाए, उस जगह को रहीम बाबा दायरा करेंगे, वहां पे कोई भी नहीं आएगा, आपको यकीन दिया नहीं कराते हैं। इस तरह भी है, मैं कहता बात सुनो ना, ये लोगों को छोड़े, दरख्त काटने के लिए छोड़े जी। अगर जिस बंदे ने कि दरख्त के साथ उसका बच्चे को काटा है ना, हाँ जी, कतर किया है, हाँ जी, तो उसके लिए अगर क्या चाहिए इसको? यही तो मैं हम बात करें ना, रिप्लाई तो दे, हमें बात ही नहीं करा हमारे साथ। खैरात मांग रहा है, क्या है चाहिए? हाँ ना, क्या चाहिए आपको? वो गलती से हो गया उससे, वो जानबूझ के नहीं किया है। हम उसके लिए माजरत ख्वाह है,
देखो रास्ता बंद किया। इधर से? हाँ जी बिल्कुल, मैं अपना आंखों से देखा इधर खड़ा आता कोई यहाँ पर जी, बिल्कुल इधर खड़ा है। क्या पड़ा हुआ था रे? ये क्या था यार, क्या था, कितना स्पीड से गया ये देखा? ओ भाई कोई दरख्त का कोई शाख इतना स्पीड से गया आगे। हाँ क्या था यार? नहीं उस तरफ ना जाओ, उस तरफ ना जाओ, इतना स्पीड मुझे थोड़ा टच हुआ है यार। यार इतना जिद, वो देखो पड़ा हुआ है शाख ना, कौन सा पड़ा हुआ है? हाँ यहाँ पे, यहाँ पे अभी ये शाख है बिल्कुल। यहाँ पे अब इतने मामला खराब है दोस्तों, जो गांव वाले जो लोग हैं उनको इतनी बड़ी सज़ा उनकी, यहाँ पे जो लोग लकड़ी काटते थे उनको बहुत बड़ा सज़ा मिला है, तो इनसे गलती हो गई है ना, ये मखलूकात ने बहुत बड़ा उनको सज़ा दी है, उनको इस तरह बीमार कर देता है उनके पाँव और हाथ टेढ़े हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं उनका बदन, और डॉक्टर के पास जाते हैं फॉलेज, लेकिन वो कहते हैं अभी फॉलेज भी नहीं है, समझ में नहीं आता सबको, लेकिन बाद ये पता चला भाई दरख्त काटने के बाद ही तब इनके साथ ऐसा होता है। अभी हमारे हमारे सामने सामने इस तरह की चीज़ें, ये देख दुआ, दुआ कहाँ से आ रहा है पीछे देख, इधर से है ना दुआ? हाँ, और दरख्त की शाख इस तरह चल रहे हैं हमारे सामने, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बाकायदा। थोड़ा इधर वसीफा कर लूँगा जी, देखूँगा कि इसको क्या चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है। बिल्कुल, अगर इसे कोई डिमांड है पता तो चले क्यों इस तरह कर रहा है, आखिर ये इस तरह का करता जाएगा ये तो बहुत बड़ा तबाही बचाएगा यार, इसीलिए तो ये देखो शाह वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं, निशाना देखो हमेशा इस तरह खींचा जाता है चीज़ों को, वो देख उस तरफ क्या है, उधर से भी इस तरह को कुछ हुआ है। बात करें हमारे साथ, क्या चाहिए आपको? अभी गलती की वजह से, सिर्फ कटाई की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली है, बिल्कुल जाहिर सी बात है ये मखलूकात हैं ठीक है, और लोगों को नजर नहीं आता जाहिर सी बात है, उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, उनका घर था, बच्चों को हिट हुआ और उसकी वजह से मखलूकात जिद में आ गए, और जो भी लकड़ी काट रहा है उसको नुकसान दे रहा है, अब जाहिर सी बात है इस तरह